कैसे हो सकता है भाई? मैंने इसमें पावर तो भाई बहुत ज्यादा है भाई। हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप मेरे सामने देख सकते हो भाई बजाज पल्सर RS 200 और सामने हंटर 350 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। तो भाई प्राइस की मैं बात करूं तो 20 से 30 हज़ार का फ़र्क है। वो फेड बाइक आती है, ये नेकेड बाइक आती है। बाकी रॉयल एनफील्ड आपको पता है रॉयल चीज़ के लिए माना जाता है, और ये भाई फेड बाइक है तो ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो पावर की बात करूँ तो आपको हंटर में मिलती है 20.2 BHP की पावर और RS में मिलती है आपको 24.15 BHP की पावर। तो पावर काफ़ी अच्छी है RS की। और टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है आपको 27 Nm ऑफ टॉर्क और वहाँ मिलता है आपको 20 Nm ऑफ टॉर्क। तो भाई टॉर्क का फ़र्क है 27 और 7 Nm ऑफ टॉर्क का फ़र्क है। तो वो फेड बाइक है तो भाई देख लेते हैं ड्रैग रेस करके। पहले भाई तुम्हारा हंटर चलाने वाला और उधर भाई चलाने वाला अपने RS, तो देख लेते हैं क्या ड्रैग रेस रहती है, क्या रॉयल एनफील्ड वर्थ इट है, देखते हैं भाई ड्रैग रेस के मामले में। बाकी ये अपने रॉयल चीज़ के लिए मानी जाती है। तो अभी फर्स्ट गियर चलो 1 2 3 बराबर सही था बट RS अब गई भाई, RS गई भाई। देख लेते हैं कितनी जाएगी वो आगे। आगे तक जाती आ रहे भाई साहब 120 RS तो बहुत आगे गई भाई, बहुत आगे। ये कैसे हो सकता है भाई? RS बहुत आगे गई। फुल थ्रॉटल कर रखा है, 125 अराउंड चल रही है अभी। देखो फुल थ्रॉटल है भाई। ओ भाई साहब RS बहुत आ गई यार। तो जी ये तो बहुत आ गई। नहीं हरा भाई, भाई नहीं हरा भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई देख लो। तो भाई देखा आपने RS को अभी, ये नहीं हुआ। अभी सेकंड राउंड में राइडर्स चेंज करते हैं। तो RS पहले राउंड में तो आगे निकल ही गई है। तो भाई अभी अपन चला रहे हैं RS और भाई चला रहे हैं हंटर। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो अपन ने RS स्टार्ट कर लिया, चलो ओके। ओ भाई ये तो बहुत तेज निकली है भाई। बाकी इसका मीटर चालू नहीं है, वो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बट भाई इसमें जो पावर है ना बहुत ज्यादा भाई। 6 गियर लग गए। बस मुझे दिक्कत है, वरना इसमें पावर तो भाई बहुत ज्यादा है भाई। हंटर तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है यार। ओ RPM लिमिटर आ गया भाई, इसका लिमिटर आ रहा है भाई। हंटर नहीं आ रही यार, बहुत पीछे है वो, बहुत पीछे। लिमिटर आ रहा है इसका बार बार।
जगह ही होगी आई थिंक, बट देख लेते हैं, दूसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा हंटर कितनी चल रही है और ये कितनी आगे है उससे। लो भाई ये देख लो, आपकी आरएस रह गई, आपकी सॉरी आरएस जीत गई, हंटर रह गई। तो देख लो भाई, ओ भाई साहब आरएस क्या पावर जनरेट करी है यार, गोली की तरह निकले। तो ये वी एस 4 है तो इसमें भाई रॉ पावर है, ऐसे गोली की तरह, बस इसका मीटर और चालू होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। तो भाई देखा आपने दोनों में कैसे ही आरएस दोनों राउंड में जीत गए। तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी इंस्टाग्राम एंड्रॉइड फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,